मैं चाहूं तो इनसे अच्छा गीत सुना सकता हूं, लेकिन सुनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने लिखे ही। प्रीति जी ने प्रस्ताव रखा है कि मैं आपको दे दूं तो आप सुनाएंगे। मैंने बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, तब तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाएंगे साहब? इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरा गला अच्छा नहीं है आपकी तरह से। तो इन्होंने फिर प्रस्ताव रखा, अच्छा गीत भी दे दूं, थोड़ी देर के लिए गला भी दे दूं। तो मैंने कहा फिर तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि तुम बैठे बैठे के दो गला हो जाऊंगा। इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया का सम्मान चला, अब तक का आपका अच्छा लगा हो तो। अब मैं थोड़ी देर आपके बीच में हूँ, बिल्कुल आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतना ही समय लूँगा जितना मैं अपना समय आपको दूंगा, क्योंकि तो समय की सीमा है। शशांक प्रभाकर से शुरू हुआ कर सम्मेलन डॉक्टर कीर्ति काले तक पहुँचा, बहुत सारी बातें हुई। मेहती रची हथेलियों पर, गुलाब की पंखड़ियों से लिखे गए प्रेम और मोहब्बत के मुक्तक, वो आप सब लोगों ने ताली बजाई। पहला पहला प्यार है शायद, पहला पहला प्यार है, आनंद आया। लेकिन हमने देखा कुछ लोग जो अपनी पत्नी के साथ आए नीचे से ताली बजा रहे थे। कादरणी की बात है, कृति काले गीत पढ़ रहे हैं आनंद के साथ, सुनिए। लेकिन 21वीं सदी में उन्होंने भी बताया कि इस सदी की लड़कियां कैसे प्यार करती हैं, लड़के कैसे प्यार करते हैं। दरअसल प्यार और मोहब्बत का जो अपना मामला है वो सब टाइमिंग का मामला है। एक बहुत महीन टिप्पणी करता हूं आपको, पहुंच जाए तो समर्थन करना आप मेरा। आइए, सब टाइमिंग का मामला, टाइम से अगर काम हो जाए, टाइम से आप इजहार कर लो, इकरार कर लो तो फिर ठीक, नहीं तो बड़ा ढाल। छोटी सी बात सुनो लेकिन बड़ी बात है। एक बार एक बकरी ने बकरे से कह दिया आई लव यू, बकरा उदास। अब सामने वाला आई लव यू कहे तो उसमें उदास होने क्या बात है? अच्छी बात है डॉक्टर साहब, टाइमिंग खराब थी। बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू, बकरा उदास, बोला अब कहने का क्या फायदा, कल तो बकरीद है। शांत प्रभाकर, इसकी भी टाइमिंग खराब थी। तो भगवान श्री राम को लेकर कविताएं लिखने लगा, पहले प्रेम मोहब्बत की कविताएं लिखती थी। कर सम्मेलन पढ़ के मोहल्ले में आए, पहलवान जी मिल गए, बोले शशांक बताओ प्रेम और इष्ट में क्या फर्क होता है। अगले आदमी ने सही सही बता दिया, मोहब्बत का अंतिम संस्कार। बोले बता प्रेम और इष्ट में क्या फर्क होता। शशांक ने तुरंत बताया, बोले पहलवान जी जो आप अपनी बहन से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपकी बहन से करता हूं शादी हुई तो मेरे पास आए, बोले कल पत्नी को घुमाने ले जाना है। मैंने कहा तैयार है ना, सजी बजी बैठी होगी। कोई ऐसा ही एक वाक्य बताओ डॉक्टर साहब, आप तो अनुभवी हो, जो कहे कि उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए। हमने जाओ अगर सजी तैयार होके बैठी है तो धीरे से मुस्कुरा के कहना, जाने मन आज बहुत कातिल लग रही हो। अगला आदमी वाक्य लटके गया, लेकिन रस्ते में कातिल शब्द भूल गया, उर्दू का शब्द था हिंदी का बोल दिया, बोले जाने मन आज बहुत हत्यारी लग रही है। मामला थोड़ा सा बदल जाए, टाइमिंग गड़बड़ हो जाए तो जल्दी से काम को। मुझे मैं नहीं मालूम आप क्या क्या कहे गए, किसी भी सदी का कहे की मोहब्बत वो आती रही मिलती रही है, प्यार समझ बैठे एक दिन नहीं आई अभी तो समझ बैठे, धोया भिगोया निचोड़ा हो गया काय का। हमें नहीं मालूम आप क्या क्या चलता है। हमें कानपुर में घटना बताता हूँ, आनंद लेना आपको ठाके के लिए बताता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुप जी इम्तहान चल रहा था, मैडम ने लड़के लड़कियों को कॉपी बांटी, क्वेश्चन पेपर छपके नहीं आया। अब क्या करें, कॉपी पे नाम नंबर लिख गए तो मजाक मजाक में उन्होंने कहा लड़के लड़कियों तुम लोग इसमें अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखो लबल्स के। मैं बात सुनना, लड़कियों ने एक घंटे बाद कॉपी जमा कर दी, लड़के दो घंटे बाद बोले बी कॉपी प्लीज। हंसी वाली बात तो ये है, लेकिन आपके ठाके और निकलेंगे। तीन घंटे बाद कॉपी जमा की, मैडम ने पलटी तो बेहोश हो गई, 90% लड़कों ने उनका भी नाम लिख रखा था। काई का प्रेम, काई की मोहब्बत। लेकिन जिस प्रेम और जिस प्रेम की मोहब्बत की बात हमारे डॉक्टर कीर्ति काले ने की है वो शाश्वत प्रेम है। उस भगवान कृष्ण का भी गीत उन्होंने पढ़ा, वो शाश्वत प्रेम है। क्या है शाश्वत प्रेम, मैं परिभाषित करता हूं अगर आप तक पहुंच जाए। छह
हाँ साढ़े छह प्रतिशत चलना है, मुझे 20 मिनट आपके बीच में रहना है, जब हो जाए मुझे संकेत कर देना, वहीं से खत्म कर दूंगा, ठीक है। और मैं कहा था ये इसी को कहते हैं टाइमिंग, टाइमिंग आज भी ऐसे ही खराब होती है। असली प्रेम, असली प्रेम क्या, शाश्वत प्रेम क्या, जिससे जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी महकने लगती है, मुस्कुराने लगती है। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ, अगर परिभाषित हो जाए तो डॉक्टर कीर्ति काली के सम्मान में ताली बजाना, भगवान कृष्ण का उन्होंने गीत पढ़ा, मैं संदर्भ वही से उठाता हूँ। एक बार राधा ने भगवान कृष्ण से एक सवाल किया कि कान्हा प्यार तो तूने मुझसे बहुत किया, इतना किया कि अपना नाम अपने नाम से पहले मेरा नाम जोड़ दिया, राधे कृष्ण लोग कहते हैं, लेकिन विवाह रुक्मिणी से किया, ये बात समझ में नहीं आई। अब कान्हा का जवाब सुनना, सच्ची अच्छी लगे तो समर्थन देना। बोले प्यार तो तूने बहुत किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, लेकिन विवाह रुक्मिणी से किया, ये बात समझ में नहीं आई। तो कान्हा बोले राधे विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, हम तुम तो एक हैं। केजरीवाल से लेकर मोदी जी तक सबका, हम तो एक बात कहते हैं, एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल और होठों पे गुरुग्रंथ की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से एक बात कहता हूं, देश में नेता कोई नहीं है, सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। मैं दिया तुमने, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता क्या कहते, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। आए जी नेता को नाम दिया गया एक नेताजी का पप्पू, आप सब जानते हैं, मैं आपको घटना बताता हूँ, आनंद सुनना में क्या कहना चाहता हूँ। अकाल पड़ा, पानी बरस गया, फसलें नष्ट हो गई, पप्पू अपनी मम्मी के साथ गए, उड़ीसा किसान आ गया, बड़े नेता आए, मुआवजा मिलेगा। पप्पू ने गंभीरता से पूछा क्या हुआ, एक किसान बोला वो बोले पड़ गए, पानी बरस गया, फसलें नष्ट हो गई। पप्पू गंभीर हो गए, बोले तो तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों हो। अब किसान थोड़ा गंभीर हुए तो पप्पू को लगा कुछ गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने पूछा अच्छा अच्छा बताओ क्या बोते हो। एक किसान बोला जी सर कपास बोते हैं। पप्पू ने पूछा कपास क्या होती है, किसान क्या बताए, तो उसने धीरे से उसका कुर्ता पकड़ा, बोले सर ये जिसका आप कुर्ता पहनते ना ये कपास होती है। तो पप्पू बोले इतना बाईपास जाने की क्या जरूरत है, सीधे कुर्ता क्यों नहीं बोते, कपास क्यों बोते हो। अब किसानों को लगा कुछ गड़बड़ हो गया। अब सुनना बात कहां तक पहुंचती, गेंद कहां तक पहुंचता है। एक किसान बुजुर्ग उठा, तमाम किसानों के पास गया, 10-10, 15-15 रुपए जमा करके लाया, 1500 रुपए जमा हुए, सोनिया जी के पास लेके पहुंचा, बोले ये लीजिए मैडम, बोले ये क्या, बोले मुआवजा, फसल आपकी नष्ट हुई, मुआवजा हमें दे रहे हैं। बोले मैडम आपकी फसल कुछ ज्यादा ही नष्ट हो गई है, हम तो दोबारा भी बोलेंगे। कैसे नेता, कैसे नेता, तमाम सारी बातें नहीं, बहुत सारी टिप्पणियां करने के लिए है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पिछले साल दो घटनाएं हिंदुस्तान में बहुत तेजी से उभर के आई और टेलीविजन पे गुजती रही, आप सब उससे प्रभावित हैं, एक नोटबंदी, दूसरी बाबा बंदी। एक पवित्र बाबा का नाम भी लिया गया। नोटबंदी हुई तो तरह तरह की बातें आने शुरू हुई। एक दिन शशांक प्रभाकर ने हमको फोन किया, मोदी जी अब आए, बोले भाइयों बहनों आज रात 12:30 बजे के बाद से इस देश में 1500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नोट बंद हो गए, भुगाने बदल दिए गए, नए आ गए। शशांक प्रभाकर ने हमको